हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू शोहिनीस किचन। मैं हूँ शोहिनी और आज मैं आपके लिए कीटो डाइट के ऊपर और एक हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। मेरी रेसिपी का नाम है वेजी ऑमलेट रेसिपी और ये आप ब्रेकफास्ट में इजीली ले सकते हो और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मैंने पहले भी एक रेसिपी अपलोड किया था कीटो डाइट के ऊपर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देख लेते हैं आज के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर को ग्रेट करके रखा है। फिर मुझे चाहिए काला नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच पास्ता सीजनिंग मसाला, ये आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार यूज़ करें। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा चम्मच बटर और दो अंडे चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चलिए पहले बैटर को रेडी कर लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले लिया है और उसमें दो अंडे को पहले से ही तोड़ के रखा है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके डाल देंगे। तो चलिए पहले गाजर को डाल देते हैं। तो गाजर को मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है इसीलिए, ताकि गाजर जो है वो अच्छे से जल्दी पक जाए। इसके लिए अभी डाल देते हैं नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट, वो है एक छोटा चम्मच पास्ता सीजनिंग मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर डाल देते हैं आपके स्वाद अनुसार, डालिए इसमें काली मिर्च की पाउडर और काला नमक। यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच काला नमक यूज़ किया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं और ये जो ऑमलेट है इसको मैं बटर में पकाऊंगी। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो तो उसमें भी आप पका सकते हो, क्योंकि कीटो में कोई भी मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ किया जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फ्राइंग पैन, गैस को ऑन कर दिया है। अभी डाल देते हैं एक छोटा चम्मच बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद जो है बैटर को डाल देंगे। तो बटर मेल्ट हो गया है, अभी डाल देते हैं एक का बैटर। तो एक का बैटर डाल के मैं जो है चम्मच की सहायता से उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। अभी एक साइड अच्छे से मीडियम से लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ढक्कन बंद करके। और पूरे जो ऑमलेट आप बनाओगे तो उस टाइम पे गैस के फ्लेम को आप मीडियम से लो में ही रखिए तो अच्छा है। तो चलिए ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। दो से तीन मिनट बाद ढक्कन खोल दिया है, अभी एक साइड अच्छे से पक गया है। तो चलिए दूसरे साइड को पलटा देते हैं। तो दोनों चम्मच की सहायता से इसको दूसरे साइड से जो है आप पलटाइए तो अच्छे से ये पलट जाएगा। अभी ये दूसरे साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम से लो फ्लेम में। गाजर ग्रेट किया हुआ है इसके लिए, गाजर बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। तो आपने देखा ही है कितना जल्दी बहुत ही यम्मी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी रेडी हो रहा है। और ये जो लोग कीटो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बिजी मॉर्निंग में ये बहुत ही एक क्विक एंड हेल्दी ऑप्शन है। आप बहुत ही जल्दी इसको कमी इंग्रेडिएंट पे बना सकते हो। तो मेरा जो है ऑमलेट रेडी हो गया है। तो चलिए अभी गैस को बंद करके इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में इसको सर्व कर लिया है। अभी ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर छिड़क देंगे, आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो। ये सभी आपकी इच्छा अनुसार डालिए। तो आज आपने देखा ही है कितनी जल्दी कितने कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही एक हेल्दी ऑमलेट वेजी रेसिपी रेडी हो गया है। तो इसकी ओ घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए और सबको खिलाइए।